हाय फ्रेंड, हाउ आर यू? माय नेम इज़ तलहा। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि जॉब सर्चिंग का बेस्ट टाइम। अभी जो है अगस्त शुरू होने वाला है, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है, तो अभी ये लेटेस्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो अभी ये बेस्ट टाइम है, आप आ सकते हैं जॉब सर्चिंग के लिए। तो आगे जाके टूरिस्ट का जो है वो सिस्टम जो है, आते हैं सारे टूरिस्ट दिसंबर में जनवरी में, पर लोग जो है हायरिंग अगस्त सितंबर अक्टूबर इसी में कर लेते हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन करें अगर आप जॉब ढूंढने के लिए आना चाहते हैं और जॉब चाहते हैं, तो ये अच्छा मौका है। और जो भी आ रहा है वो अपनी डिग्री को भी अटैच करवा ले अपनी एम्बेसी से, यूएई की एम्बेसी से, क्योंकि वो भी एक रिक्वायरमेंट होती है अगर आप जैसे अच्छी जॉब कोई लेना चाह रहे हैं तो। और इसके अलावा जो है 2-3 महीने का ख़र्चा भी अपना लेते हुए आए, और जो भी है अपना जो सारी प्रिपरेशन करके आए इंटरव्यू की भी, अगर किसी आईटी से रिलेटेड है तो अपना इंटरव्यू का, क्योंकि यहाँ जो है सवाल भी पूछे जाते हैं सारे थ्योरिकल, और दूसरे जो भी रिलेटेड है डिजिटल मार्केटिंग ये वो इसके क्वेश्चन भी करते हैं, तो आपको पता नेट पर तो सारे क्वेश्चन भी अवेलेबल होते हैं। अगर आपने कोई भी जो है किसी भी रिलेटेड जॉब है उसके 100 क्वेश्चन भी आपने याद कर लिए तो 70% चांस है कि आपका क्लियर हो जाए। और स्टार्टिंग में ज़्यादा सैलरी की आप डिमांड नहीं करिएगा, पहले उनसे पूछे कितना बजट है आपका, और उसी हिसाब से जॉब और एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है, अगर ग्रेजुएशन की जॉब है तो मिनिमम 2,500 से तो शुरू होती है, 2,500, 3,000, 4,000, 6,000 वो जितनी भी हो सैलरी ना उस हिसाब से शुरू होती है। तो वो एक है, क्योंकि आपको अगर कम भी सैलरी है, अगर 1 साल भी आपने निकाल लिया है तो वो एक वो है, उसमें अच्छी बात है। और उसके बाद में फिर आप स्विच भी कर सकते हैं। तो ये बेस्ट टाइम है, ये जो है अगस्त सितंबर अक्टूबर, इस वक्त में आप आए जॉब सर्च करने के लिए, आपको बहुत आसानी से जॉब मिल जाएगी। आसानी से तो नहीं कहता, पर चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और मैं अभी अलरिगा एरिया में हूँ यहाँ पर, और डेरा में आपको जो है, अगर आपको कोई जान पहचान वाला नहीं है तो आप यहाँ पर आके अपना बेड स्पेस या पार्टीशन जो भी है वो ले सकते हैं। स्टार्टिंग में बेड स्पेस लेंगे तो लो बजट पे पड़ेगा, तो वो भी एक ऑप्शन है। उसके अलावा आपने दोनों तरीके से मतलब इंटरव्यू में जाना है, एक तो ऑफिस बाय ऑफिस भी जाएँ और अप्लाई करते हुए भी जाएँ, और आने से 10-15 दिन पहले ही आप अप्लाई शुरू कर दें अपनी ना, और उस पर CV भी मेंशन कर दें कि मैं अवेलेबल हूँ यहाँ पर, आने वाला हूँ। और इस लिहाज से जो है तो उनको भी पता चल जाएगा कि ये बंदा जो है आई एम कमिंग लाइक अ 15 डेज 10 डेज जो भी है इसमें आई एम अवेलेबल फॉर फेस टू फेस इंटरव्यू, या आप इसमें फ्रंट पे ही कमेंट डाल देंगे तो एक अच्छा हो जाएगा, एक लाइनअप हो जाएगा। यहाँ पे आते ही आपका 10-15 इंटरव्यू लाइनअप हो जाए, मे बी के इंशाल्लाह उसी में ही आपका कोई सिलेक्शन की कोई वो बन जाए। और ये भी मेन बात है कि आजकल मतलब बहुत ये भी सिस्टम चल रहा है कि आप 1 महीने के लिए कर लो, हम ट्रायल ले रहे हैं और वीज़ा आपका बाद में लगाएंगे और ये है और वो है, और 2 दिन का ट्रायल दे दो, 3 दिन का ट्रायल दे दो, पैसों पर ये है ऐसा है वैसा। तो ऐसी चीज़ों में थोड़ा अवॉइड ही करें। सही, अगर कोई बोल भी रहा है कि हाँ ट्रायल दो कुछ दो या सैलरी का बाद में है क्या है, तो आप उनसे कोशिश करें कि बोले भाई मेरे ये पास पैसे नहीं है, थोड़ा सा एडवांस दे दिया जाए। तो बास टाइम ये भी होता है लोग हफ्ता 10-15 दिन काम करा के आपसे कि हम ट्रायल ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, उसके बाद फिर मे बी पॉसिबल है कि पैसे ना भी दें, और जो इस तरह का भी सीन हो सकता है। तो आपको अगर वो वेल ऑफ कंपनी है तो फिर ऐसा नहीं करेगी, अगर कोई छोटी मोटी कंपनी है तो वो कुछ भी कर सकती है। तो ऐसी जगह पे जाएं जो आपको वीज़ा फ़ौरन दे दे और आपकी सैलरी और ये सारे डॉक्यूमेंट शुरू हो जाए। और अगर कोई इस तरह आपको डाउटफुल भी है तो आप उनसे एडवांस मांगें, ये एक बेस्ट तरीका है। तो अगर जो एडवांस आपको दे रहा है, एडवांस ये भी नहीं है कि ज़्यादा बोले भाई कि मुझे आप थोड़ा सा दे दें, 500 दे दें, 300 दे दें, 1,000 दे दें, जो जिस हिसाब से, तो वो आप उस तरह वो करें। तो अगर वो नहीं, एडवांस भी नहीं दे रहा और ट्रायल भी मांग रहा और ये सारी चीज़ें हैं, तो फिर
मेरे हिसाब से तो ना ही करना बेहतर है, ठीक है। और कोशिश पहले यही करें कि अच्छी कंपनियों में पहले अप्लाई करें सारी, और सब जगह ही अप्लाई करें, जहाँ से अच्छा है वो हो वहाँ से वो हो जाएगा। और डिग्री को अब आने से पहले अटेस्ट करवा लें, ख़र्चा रख कर आएँ अपना 4-5 हज़ार दरम तक, और घर वालों को भी मतलब अखराजात देते हुए आएँ, ठीक है। और अभी बेस्ट टाइम है दुबई में आने के लिए जॉब सर्चिंग का। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो। ओके बाय।